हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन समिट में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सुमोटो दाखिल खारिज। ये दोस्तों अभी अभी न्यू अपडेट आया हुआ है सुमोटो दाखिल खारिज। आप चाहे तो पुराने जमीन का जो भी 1947 से लेकर 2022 के बीच में जो भी ओल्ड जमीन यानी कि पुराने से पुराने जमीन का अगर आपने जमाबंदी अपने नाम नहीं किया है तो सुमोटो दाखिल खारिज के अंतर्गत आप अपने जमीन का जो भी विवरण है अपने नाम पर जमाबंदी कर सकते हैं, रसीद कटवा सकते हैं, अपने नाम पर जमीन कर सकते हैं। ये दोस्तों जिनके नाम पर जमीन अभी तक नहीं है, मान लीजिए आपके दादा मर गए हैं, परदादा मर गए हैं, जो भी पुराना जमीन है वो जमीन आपके नाम पर नहीं है, वो पूरी तरीके से जमीन अपने नाम पर कर सकते हैं, जमाबंदी कर सकते हैं, रसीद कटवा सकते हैं, सारा चीज कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस न्यू अपडेट को आपको जानना बहुत जरूरी है कि सुमोटो आवेदन कैसे होगा, कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे, क्या करना है, कहां पर जमा करना है, सारा डिटेल्स के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले क्या कीजिएगा, गूगल ब्राउजर को ओपन कीजिएगा, गूगल पर टाइप कीजिएगा onlinesubmit.com। याद रहे कि सबमिट में डबल टी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर सबमिट में डबल टी है, इसको हमको क्लिक कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब देखिए हम ऑफिशियल वेबसाइट onlinesubmit.com पर चले गए हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद इस वेबसाइट पर दोस्तों हर एक तरह की न्यू अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाती है, ये बात को ध्यान देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर सर्च बार का ऑप्शन है, यहाँ पर टाइप करेंगे दाखिल। जैसे कि मैं यहाँ पर दाखिल टाइप कर लेता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अब देखिए जो पहला वाला स्टेप है इसको हमको क्लिक कर देना है, एड्स आ रहा है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। नीचे आ जाता हूं, आप देख सकते हैं मुझे दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट, क्लिक हियर पर क्लिक कर देंगे, इसको मैं कटिंग कर देता हूं। अब देखिए जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस साइट पर मैं आ गया हूं। इस साइट पर आने के बाद आपको यहां पर बता दूं कि अगर आपने कोई भी जमीन खरीद बिक्री की हुई है तो आप यहां से कर सकते हैं ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, यहां से कर लेते थे। लेकिन तो जो पुराने से पुराने जमीन है उसको कैसे करना है, कैसे अपने नाम पर करना है, कोई भी प्लॉट जमीन की जानकारी नहीं है, जमाबंदी अपने नाम पर करनी है, तो वो दोस्तों नया अपडेट क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं निबंधन के साथ दाखिल खारिज का प्रपत्र, इसको हमको क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर आ गया सुमोटो दाखिल खारिज हेतु आवेदन पत्र। ये दोस्तों पीडीएफ फाइल है, यहाँ से चाहे तो आपको प्रिंट कर लेनी है। प्रिंट करने के बाद सेवा में जो भी है अंचल अधिकारी अपना जहाँ है विक्रमगंज, नासरीगंज, आरा, पटना, जो भी है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। जिला स्तर निबंधक अवर प्रबंधक यहाँ पर जो है वहां पर फिर से अपना प्रखंड का नाम डाल देंगे। विषय में क्या है, सुमोटो ऑनलाइन दाखिल खारिज संबंध में। अब देखिए यहां पर आपको देख सकते हैं उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैंने आपके अंचलाधिकार भूखंड के वाला दान पत्र के माध्यम से निबंधन कराया है जिसके ऑनलाइन दाखिल खारिज करने से संबंधित आवश्यक विवरण निम्नलिखित है। दोस्तों यहाँ पर आपको सभी चीज डालना है, क्या विक्रेता जमाबंदित रैयत है तो यहाँ पर हाँ कर देंगे, जमाबंदी संख्या डाल देंगे, जमाबंदी का भाग संख्या, प्लेट संख्या डालेंगे, अपने जमीन का जमाबंदी सर्च कर लेना है, उसको क्या करना है, जो भी प्लॉट है, जमीन है, किन के नाम पर जमीन है। देखिए दोस्तों क्रेता जो जिसके नाम पर जमीन करना है, जिस जमीन पर आप रह रहे हैं उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, जाति सब डालेंगे, और जिनके नाम पर पहले वो जमीन था वो भी यहाँ पर डाल देना है सातवें नंबर पे। सारा चीज जिस तरीका से आप क्रेता का नाम डालेंगे उसी तरीका से विक्रेता का भी नाम डाल देंगे। भूमि का विवरण डालना है, कौन से मौजा में पड़ता है आपका जमीन, थाना नंबर क्या है, खाता संख्या क्या है, प्लॉट संख्या क्या है, कितना एकड़ जमीन है, कितना डिसमिल जमीन है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन कौन है। और दोस्तों यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर करा देना है, मोबाइल नंबर तक फिलअप कर देना है, इसको प्रिंट करके पूरी तरीके से भर लेना है। अब दोस्तों रही बात ये क्यों भरना है, क्या भरना है, मुझे ये नहीं समझ में आया, बहुत लोग का यहाँ पर कंफ्यूजन बन रहा था। लेकिन दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि सुमोटो दाखिल खारिज के अंतर्गत जमाबंदी अगर अपने नाम पर नहीं है, एक दिन ये पेपर में भी आया था दोस्तों, आपको याद रहा होगा पिछले ही, कि इसको आप भर के अपना जो भी है प्रखंड यानी कि जिला निबंधन कार्यालय जिसको बोला जाता है सब रजिस्ट्री ऑफिस, वहां पर आपको जाना है, वहां पर किसी भी वकील के पास ये जमा कर देनी है, वो आपको पूरी तरीके से वेरिफिकेशन वगैरह करा देंगे।
जब वो वेरिफिकेशन करा देंगे दोस्तों, तो आपका जो भी जमीन है पूरी तरीके से वो जमा करा लेंगे वहां पर सुमोटो दाखिल खारिज के अंतर्गत, और आपका दाखिल खारिज आवेदन हो जाएगा, आपका जमाबंदी शो करने लगेगा, आपका रसीद कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले वाले वेबसाइट पर आ जानी है, जमाबंदी यहाँ से देख सकते हैं, भू लगान यहाँ से काट सकते हैं। जैसे ही वो जमा कर लेते हैं, पूरी तरीके से कर लेते हैं, तो अपना जो भी है यहाँ पर सर्च करके पूरी तरीके से आप अपने रसीद चेक कर सकते हैं, जमाबंदी प्रिंट कर सकते हैं और अपने नाम पर जमीन भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर करें।